हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द करियर एंडेवर। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक से वो दो डिफरेंसेज आपको बताने जा रहे हैं। पहला डिफरेंस है ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में, और दूसरा डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन को। तो ध्यान में आपको रखना है कि ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स वैसे केमिकल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 एएमयू से लेकर 500 एएमयू होता है, जो हम लोग के बॉडी में मॉलिक्यूलर टारगेट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, आपको एंजाइम, ये सभी के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। दैट मीन्स वैसा केमिकल जिसका मॉलिक्यूलर मास 100 एमयू से लेकर 500 एमयू हो और हमारे बॉडी में उपस्थित जो माइक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट दैट मीन्स एंजाइम प्रोटीन ईटीसी से इंटरेक्ट हो और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करे, उसी को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिसिन का पॉइंट फर्स्ट डिफरेंस में। जब ड्रग का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखता हो और वो थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल हो तो उसी को हम लोग मेडिसिन कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इज थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल देन ड्रग्स आर टर्म्ड एज मेडिसिन। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। जितने भी ड्रग्स होते हैं वो मेडिसिन नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान देना है मेडिसिन साइड में ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। जितने भी मेडिसिन होते हैं वो ड्रग्स होते हैं, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रग्स आर द एक्टिव पोटेंट कंपाउंड्स। ड्रग्स जो होते हैं एक्टिव पोटेंट कंपाउंड्स होते हैं, दैट मीन्स इसकी पोटेंसी हाई होती है। और मेडिसिन जो होते हैं ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म होता है ड्रग का, मतलब ड्रग जब डॉक्टर के सलाह के द्वारा दिया जाए तो उसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं। ड्रग्स अपने सलाह से नहीं लिया जाता है, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रग्स डज नॉट हैव एनी डिफरेंट फॉर्म एंड डोज। ड्रग्स का कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होता है और इसका डोज नहीं होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो होते हैं इनके डिफरेंट फॉर्म होते हैं और डिफरेंट डोज होते हैं। ये देखे हम लोग ड्रग्स के एग्जाम्पल्स, कोकीन, हेरोइन, ओपियम, ये सारे आपको ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि मेडिसिन का एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ यहाँ मैंने मेंशन किया है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एनाल्जिन ईटीसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो हम लोग देखे यहाँ एंटीसेप्टिक के बारे में। एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको या तो उनके ग्रोथ को वो प्रिवेंट करता है, नहीं तो उनको किल कर देता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग डिफरेंस है, डू नॉट एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो लिविंग टिश्यू को हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो एंटीसेप्टिक्स होता है उसका अप्लाई हम लोग करते हैं स्किन पे, लेकिन ये जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसका स्किन पर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें ये जो एंटीसेप्टिक्स है इसका यूज किया जाता है वुंड्स का, कट्स होगी, कट्स है या इन्फेक्टेड स्किन सरफेस है उसके ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स को, जबकि आपका जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं इसका यूज किया जाता है फ्लोर्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये सभी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स इसका यूज लिविंग सिस्टम पर होगा और इसका नॉन लिविंग सिस्टम पर होता है। इसका एग्जांपल देखें ये डिटॉल और वेथिनॉल है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल देखें आपका फॉर्मलिन है और फिनॉल। डिटॉल का यूज आप एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जब एंटीसेप्टिक के मुख्य रूप में करते हैं तो डिटॉल का कंसंट्रेशन कम होता है और आपका डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में अगर इसका यूज करते हैं डिटॉल का
तो उसमें डिटॉल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे ड्रग्स एंड मेडिसिन के डिफरेंस और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के डिफरेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल द करेंट रिवर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।